हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और प्यारे दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत दिनों बाद आ रहा है। नवरात्रि के बाद, नवरात्रि स्टार्ट हुई उसके बाद में अपना एक भी व्लॉग नहीं आया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। परंतु कुछ ऐसे कारण थे, इस वजह से नहीं व्लॉग डाल सका। तो अपना व्लॉग आज अपन शुरुआत करते हैं। जो सीरीज़ अपनी छूट गई थी रॉयल एनफील्ड के पेनियर डोमिनार में फिट करने वाली, तो उसी सीरीज़ को आज अपन वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। या आप पीछे देख रहे हैं, बाइक का स्टैंड है मेरे, इसका भी मुझे वीडियो बनाना है। अमेजोन से अपन ने मंगाया था, और कैसी इसकी क्वालिटी है, कितना रुपए लगे, कितना प्राइस लगा और कैसा वर्क कर रहा है, उसके बारे में अपने को डिटेल में वीडियो बनाना है। नेक्स्ट जब भी वीडियो बनाएंगे अपन इसी के बारे में बताएंगे। एक्चुअली में क्या है कि मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट अमेजोन या अलग अलग वेबसाइट से मंगा के यूज़ कर रहा हूँ, परंतु काफ़ी सारे प्रोडक्ट की मैंने आपको अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई, क्योंकि अपने व्लॉग पे मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि मैं अनबॉक्सिंग कभी नहीं दिखाऊंगा, मैं हमेशा रिव्यू दूंगा। तो रिव्यू तभी दे सकते हैं जब अपन इन प्रोडक्ट को यूज़ करें। तो अब मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं एक महीना, दो महीना, चार महीना, छः महीने से उनको यूज़ कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे उनके मैं आपको रिव्यू और मेरा जो एक्सपीरियंस है उस प्रोडक्ट के साथ में वो बताऊँगा। क्योंकि क्या होता है कि अनबॉक्सिंग करके मैं आपको कोई प्रोडक्ट सजेस्ट कर दूंगा कि भाई आप ख़रीद लीजिए, अगर आप ख़रीद लेंगे और फिर वो प्रोडक्ट वर्थ नहीं रहा और यूज़ेबल नहीं रहा और आपको उतनी अच्छी सर्विस नहीं दे पाया, अगर वो प्रोडक्ट या अच्छा नहीं लगा, तो आप सीधा मुझे गाली देंगे और मुझे बोलेंगे कि हमने तो DSK राइडर वाले को देख कर हमने प्रोडक्ट मंगाया है और हमारा प्रोडक्ट ख़राब निकला। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के ब्लॉग की अपन शुरुआत करते हैं। तो बने रहो, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जहाँ तक बात इतने दिन तक वीडियो नहीं आने की है, तो वो इस कारण से नहीं आ पाए कि देखिए, हर जगह नवरात्रि का अलग अलग क्रेज़ होता है। गुजरात में जैसे डांडिया या गरबे का होता है, महाराष्ट्र में कुछ और होता है, बाकी अलग राज्यों में कुछ और होता है, वैसे ही राजस्थान में कुछ और होता है। जितने भी लोक देवता होते हैं या जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर अलग ही तरीके से अनुष्ठान चलते हैं। तो मैं भी किसी एक मंदिर से कनेक्ट हूँ, तो 9 दिन तक वहाँ पर अनुष्ठान चले, तो बिल्कुल समय नहीं मिल पाया कि मैं कहीं जाऊँ या अपने लिए समय निकाल कर व्लॉग बनाऊँ, तो इसलिए मैं नहीं बना सका। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ और अपने कान पकड़ता हूँ। आइंदा से इस तरह की कभी बीच में कोई गैप नहीं आएगा। इस बार काफ़ी गैप हो गया, मैक्सिमम 10 से 12 दिन का गैप हो चुका है। तो आज अपना व्लॉग आएगा। आज संडे है, 17 तारीख है, और आज ही व्लॉग शूट हो रहा है। आज ही शाम को 5:30 बजे व्लॉग रिवील हो जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। और एक और आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि अपने चैनल पर कम्युनिटी टैब फीचर जो होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर या बड़े बड़े चैनल पर होता है, और यूट्यूब ने क्या कि जितने भी छोटे चैनल है उनमें से भी बहुत से ऐसे चैनल जिन पर नहीं चालू कर रहा है, परंतु अपने लिए ये फीचर एक दिन में ही चालू कर दिया यूट्यूब ने। उसके लिए यूट्यूब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हम लोगों को खुश करते रहे और हम भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बना के यूट्यूब पर डालते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ध्यान रखें। चलिए मिलते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर आपका भाई धर्म फ्रॉम DSK राइडर से। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि रॉयल एनफील्ड के पेनियर जो मैंने खरीदे थे, जो कि हिमालयन गाड़ी में मैक्सिमम अधिकतर ऐसा देखा गया कि हिमालयन गाड़ी में ही फिट होते हैं, अपन उसी के बारे में बात करेंगे। और अपन ने क्या बाय मिस्टेक, अपन चाह नहीं रहे थे कि अपन पेनियर हिमालयन के ही खरीदें, पर बाय मिस्टेक, क्योंकि कहीं और या किसी और कंपनी के पेनियर अपनी गाड़ी के लिए उदयपुर में मिल नहीं रहे थे, मुझे हिमालयन के पेनियर ही मिल रहे थे। और कुछ मैंने यूट्यूब पर भी देखा था कि हिमालयन के पेनियर अपने डोमिनार में फिट हो सकते हैं, तो उसको देखते हुए मैंने रॉयल एनफील्ड हिमालयन के पेनियर खरीदे अपने श्लोका मोटो ऑटोमोबाइल्स सेक्टर 14 उदयपुर में है, ओडी शोरूम के पास में या नेक्सा शोरूम के जस्ट पास में, वहाँ पर है श्लोका ऑटोमोबाइल। और ऑनलाइन इनकी प्राइस है 28,500 रुपये। दो कलर में आते हैं, एक सिल्वर कलर आता है और एक ब्लैक कलर आता है। दोनों की प्राइस ऑनलाइन रॉयल एनफील्ड की जो वेबसाइट है, इनकी लीगल जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर इनकी प्राइस आ रही है 28,500। पर अपने को उदयपुर में ये पेनियर पड़े हैं 22,500 रुपये मुझे पड़े हैं, फिक्स 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिला है।
ठीक है। अब क्यों दिया, किस कारण दिया, ये मुझे भी नहीं पता, बस उनसे अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा है और शोरूम जो मैनेजमेंट उनकी जो है उनसे भी मेरा अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा है, उनके सेल्स के जो बंदे हैं उनसे भी अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा है, सैमसंग करके एक बंदा उससे अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा है, सैमसंग भाई हैं जैसे फैजल भाई है, उन लोगों से अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो उनके कारण अपने को ये मिल गए हैं। अब उन्होंने किस अकॉर्डिंग इनको मुझे डिस्काउंट दिया वही जानते हैं, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पर अपने को एग्जैक्ट ये 22,500 रुपये में ऑन बिल पड़े हैं, ठीक है। अब हो सकता है कहीं और किसी शहर में इससे भी सस्ते मिल रहे हों या इससे भी ज़्यादा महंगे मिल सकते हों। अपन ऐसी पेनियर खरीदे इसके साथ जो फिटिंग आती है वो फिटिंग नहीं खरीदती है, फिटिंग की प्राइस 3500 रुपये अलग से है जो हिमालयन गाड़ी के लिए ही आती है, ठीक है। अब डोमिनार गाड़ी के लिए फिटिंग कैसे मिलती है, कहाँ मिलती है, क्या करते हैं, ये अपन वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी अपन बात करते हैं पेनियर की, तो प्यारे दोस्तों अब इनको अनबॉक्सिंग करते हैं अपन, तो आ जाइए। प्यारे दोस्तों ये इन पे पॉलीथीन लगा हुआ था और कुछ इस तरह के थोड़े से थर्माकोल साइड में लगे हुए होते हैं, बाकी किसी तरह की कोई अलग से प्रीमियम पैकेजिंग नहीं आती है। अब इनको अपन ओपन निकालते हैं बाहर और चेक करते हैं कि कैसे। तो ये है रॉयल एनफील्ड हिमालयन के पेनियर जो कि BS6 और BS4 दोनों में लग जाते हैं हिमालयन के। अब इनको अपन देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है और पेनियर दिखते कैसे हैं। देखिए आप पेनियर, ये देखिए आप इन पेनियर को, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा पेनियर है, काफ़ी मजबूत है और इनकी जो क्वालिटी है, मैंने इनके अलावा 2-3 अलग कंपनियों के पेनियर देखे हैं कई और गाड़ियों पर लगे हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे काफ़ी बेटर लगा मुझे ये पेनियर क्वालिटी के मामले में। और स्टोरेज इनका मेरा 16 लीटर के समथिंग कुछ होता है स्टोरेज का, अपने को आइडिया नहीं कितना है, टोटली 16 लीटर एक पेनियर का होता है ऐसा मैंने डॉक्यूमेंटेशन में देखा था। तो अब आते हैं अपन क्या क्या इनमें सिस्टम है, इसमें 2-3 तरह के मैंने पेनियर देखे जिनमें दोनों तरफ सिस्टम आता है, इसमें एक तरह का ये सिस्टम आता है, ये देखिए आप यहाँ से लॉक सिस्टम है, इसको अपन ने ओपन किया, यहाँ से क्लिप हटाया और ये पेनियर ओपन हो गया, देखें आप बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा पेनियर है। अंदर की फिनिशिंग आप देखें तो ऊपर वाला काफ़ी मजबूत है, इनकी बैलेंसिंग काफ़ी अच्छी की हुई है और इनका जो लॉक मैकेनिज्म है वो भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ही सिंपल सा सिस्टम है कि एक नीचे का पैर यहाँ फिक्स हो जाता है और ऊपर वाला इधर से इसको शिफ्ट किया और अंदर का बोल्ट टाइट कर दिया। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि इनकी जो फिटिंग जो है वो कैसे होती है, कहाँ पर होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनकी साइज़ और जब ये गाड़ी पे लगते हैं उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं। इनकी क्वालिटी अगर मैं कहूँ तो ये प्रॉपर स्टील नहीं लोहा कह सकते हैं अपन, स्टील के बने हुए हैं, साइड में इनके प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसके साथ में अपने को और क्या क्या मिलता है, जो लॉक है उनकी 2-2 चाबियाँ मिलती हैं, ये देखें आप दोनों लॉक हैं, ये देखिए आप इनको, इसको एक पकड़ रखने के लिए एक बहुत ही सॉलिड तरीके का वायर है जो यहाँ पे इनके साथ में अटैच किया हुआ जिससे ये ढक्कन एकदम से पीछे ना जाए। इनके साथ में अपनों को कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है, सिर्फ ये दोनों की 2-2 चाबियाँ और ये एक रेडियम बोलें या लाइट रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं जो इस तरह से साथ पीछे लगा सकते हैं या साइड में कहीं पे लगा सकते हैं, ये चीज़ें इनके साथ में अपनों को मिलती है, इसके अलावा कोई और एसेसरीज नहीं मिलती है। इनको फिटिंग करने के लिए जो चीज़ मिलती है जो इसकी फिटिंग बोलते हैं अपन वो हर गाड़ी की अलग अलग होती है, ठीक है दोस्तों। अब बात अपन करते हैं कि भाई इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कि दोस्तों ये पेनियर डोमिनार पे फिट करना आसान है या नहीं, इस बारे में अपन बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि बाज़ार में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पेनियर बनाती हैं और उसमें से कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पर्टिकुलर डोमिनार के लिए टॉप बॉक्स और पेनियर बनाती हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप आँख बंद करके उन प्रोडक्ट की तरफ जाएँ, क्योंकि डोमिनार के लिए अगर आप रॉयल एनफील्ड के पेनियर खरीदते हैं मानते हैं अपन ये सस्ते पड़ जाएंगे, तो जाना के कितने के हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसके अलावा हाइपर राइडर भी बनाता है, बाइकिंग ब्रदर्स हैं वो भी पेनियर बनाते हैं या पेनियर सेल करते हैं, इसके अलावा एक दो और कंपनियाँ और हैं उनकी प्राइस मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि उनकी प्राइस कैसी होगी। अब मैक्सिमम उन सबकी प्राइस 30,000-40,000 के आसपास में ही है, परंतु डोमिनार के साथ में इन पेनियर को इंस्टॉलेशन करने में क्या प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको इनकी फिटिंग नहीं मिलेगी,
ठीक है, आप इनकी फिटिंग नहीं मिलेगी बाज़ार में कहीं पर भी। मैंने जाना मोटर पे बात कर ली, हाइपर राइडर पे बात कर ली, LRL मोटर जो है वहाँ पर भी मैंने बात कर ली है। एक और साउथ इंडिया की कोई कंपनी है जो राइडिंग संबंधी प्रोडक्ट का सेल है, उनका एप्लीकेशन है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो भी सेल करते हैं, मैंने उन पर भी बात की है, सबके मोबाइल नंबर पर बात की मुझे, क्या मैंने कहा ऐसी कोई फिटिंग मिलती है कि रॉयल इनफील्ड के हिमालयन के टॉप बॉक्स या सॉरी पेनियर डोमिनार पे फिट हो जाए। उनके पास में ऐसी कोई फिटिंग अवेलेबल नहीं है। जाना के पास में है, जाना मोटर के पास फिटिंग है, परंतु वो लोग क्या कहते हैं कि अगर आप फिटिंग खरीदते हो तो उनके पास पर्टिकुलर जो पेनियर है वही आपको लगाने पड़ेंगे, ये पेनियर उस पर फिट नहीं होंगे। अगर शायद हो भी जाएँ तो वो अकेली फिटिंग नहीं देते हैं साथ में, क्योंकि मेरे पास जाना का ही स्टैंड है, मैंने उसके ऊपर किसी एक और यूट्यूबर हैं उनको देखा कि उन्होंने जाना के ही पूरी रैक के ऊपर कुछ जुगाड़बाजी करवाई है और फिर उसको रैक को हिमालयन के लिए बनवाया है। तो प्यारा दोस्तों, मैं कहूँगा आप ये काम मत कीजिए, उससे आपका वो स्टैंड जो है मेरा, जो मैंने जाना से लगवाया था 3,500 रुपये का, 3,500 रुपये का जाना की जो फ्रेम लगवाई थी मैंने सेडल्स बैग्स वाली, वो फ्रेम पूरी ख़राब हो चुकी है। अब उसके ऊपर ये पेनियर नहीं लग रहे हैं, इनकी फिटिंग हो रही है तो पेनियर एक जा रहा यूँ, एक जा रहा यूँ, और गाड़ी से मतलब कम से कम नहीं कर दो 10-10 इंच दूर निकल रहे हैं उस फिटिंग की वजह से, क्योंकि वो फिटिंग इनके ऊपर पर्टिकुलर तरीके से फिट बैठ ही नहीं पा रही है। उस फिटिंग को भी मैं आपको दिखा दूँ अगले अगली बार में या अगले पार्ट में, कि उस फिटिंग को गाड़ी पर इंस्टॉल करने के बाद में मेरे पेनियर कैसी परिस्थिति थी। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको दूसरी चीज़ यही बताऊंगा, अगर आप डोमिनार के लिए पेनियर खरीद लें तो पर्टिकुलर इस ऐसी ब्रांड से खरीदिए जिसके पास फ्रेम और पेनियर दोनों मिल जाए। अगर 30,000 तक भी ये चीज़ें मिलती हैं तो आप आंख बंद करके खरीद लीजिए। आप रॉयल एनफील्ड के पेनियर खरीद के डोमिनार पे फिट करेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। मैंने कम से कम 2,000 से 3,000 रुपये बिगाड़े वेल्डिंग से लगा कर, पाइप खरीदना, लोहा खरीदना, और 2 दिन पूरे बिगाड़े, उसके बावजूद भी मेरा काम सक्सेस नहीं हुआ है। आप अभी वीडियो में डालूंगा, छोटा एक वीडियो मैंने एक शूट किया है, आप देखिएगा उसमें कि पेनियर कैसे बाहर निकल रहे हैं। सीट लेवल के बराबर आने चाहिए पेनियर गाड़ी में, और फिटिंग में भी गाड़ी का जो पीछे का जो मरघाट होता है या पीछे की जो बॉडी होती है एकदम उससे सटे होने चाहिए। मेरे जो पेनियर मैंने वो जो जुगाड़ वाला सिस्टम किया उससे उतने दूर हो रहे हैं, इतने मतलब 10-11 इंच कम से कम में उस सीट वाले पोर्शन से दूर जा रहे हैं, ये चीज़ बहुत ही गलत है। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूँगा आपसे कि क्या करना चाहिए आपको।